हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशांत सिंह ब्लॉग। आज की इस वीडियो में आपको ले चलूँगा रामपुर रिंग रोड। तो वहाँ पे एक प्लॉट है जिस पे डिज़ाइनिंग का काम हमने किया है, तो आपको एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में बताता हूँ कि किस प्रकार से हमने डिज़ाइनिंग किया, क्या क्या उसमें डिज़ाइन है जो आप भी अपने घर के लिए कर सकते हैं। तो मैं एक फ़ोटो है उसको दिखाता हूँ आपको और उसके हिसाब से मैं आपको बताते जाता हूँ, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने डिज़ाइन जो किया है वो काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो ध्यान रखना है इसमें, तो कलर कॉम्बिनेशन का सबसे पहला ध्यान रखना है आपको। अगर आप इसके राइट साइड वाले पार्ट को देखिएगा, यानी कि सीढ़ी जो रेड रंग में है तो वो मैरून कलर में है, ब्रिक कलर मैंने दिया है, वो ब्रिक का टाइल्स लगा हुआ है, तो ब्रिक का टाइल्स लगाना है। एक्चुअल में ब्रिक में वो टेक्सचर नहीं आ पाता है अगर रियल ब्रिक कीजिएगा, तो इसके लिए आपको टाइल्स लगाना पड़ेगा, रेड ब्रिक टाइल्स आता है, ठीक है? तो आप मार्केट में जो भी टाइल्स वाले के पास जाएंगे तो आपको बता देंगे, ठीक। तो 2 इंची बाई आपका 5 इंची 6 इंची का वो ब्रिक रहता है, तो उसी को लगाना रहता है, ठीक है? तो वो आपको मार्केट से ही परचेज करना होगा, ठीक है? उसके बीच में जो आप देखेंगे सीढ़ी वाला, तो उसके बीच में कॉर्नर में 2 L टाइप से विंडो दिया गया है, तो आप ओपन भी रख सकते हैं या फिर क्लोज भी रख सकते हैं, ग्लास टाइप का है, ठीक है? स्लाइडिंग बना सकते हैं। और एक उसी में एक लंबा सा आपको एक वर्टिकल जो है वो लाइट के लिए, वो वर्टिकल एक ग्लास विंडो दिया गया है जो लाइट के लिए सेफ रहेगा, ठीक है? अब हम आते हैं, वहाँ से एंट्री करेंगे, नीचे डोर है, ठीक है? डोर से एंट्री कर गए। अच्छा, अब हम आते हैं लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में देखिएगा वॉल है जिसके साइड में आपका राउंड राउंड टाइप का एक कलरफुल रेनबो टाइप का हमने टेक्सचर दिया है, कटिंग टाइप का है, एक दीवार है उसमें कटिंग है, कटिंग में ही हमने टेक्सचर दिया है और वो कटिंग जो है कटिंग के साइड में ही उसमें हमने कलर कर दिया है रेनबो टाइप का। नीचे ब्लू है, ब्लू से लाइट हरा होते हुए एक तरह से पीला हो गया, ठीक है? लास्ट में ऊपर में टॉप में, और सबसे टॉप में मैंने परगोला दिया है, जो बीम आप ग्रे रंग का देख रहे हैं, वाइट रंग का पूरा उसमें वो ग्रे रंग का बीम है जो उसको परगोला बोलते हैं, परगोला, ठीक है? तो परगोला देने से होता क्या है कि आपका जो घर है उसका लुक जो है वो और मॉडर्न हो जाता है, ठीक है? अब हम आते हैं बालकोनी वाले पार्ट में, बीच वाले पार्ट में। तो ऊपर में देखेंगे बॉक्स टाइप का है, वो टिल्टेड है आगे की ओर, जो छत है उसका टिल्टेड है और दीवार भी ऊपर में टिल्टेड टाइप से आगे कर दिया गया है, एक बॉक्स लग रहा है। बॉक्स के अंदर में देखिएगा तो 3 कॉलम है ग्रे ब्राउन रंग का, वो एक तरह से लुक के लिए हमने प्रोवाइड किया, और उसका जो ग्लास है अंदर में वो पूरा ओपन टाइप का स्लाइडर है जिसमें आप 7 फीट पूरा हाइट रहेगा नीचे से लेके ऊपर तक। नीचे 5 इंची का आप गैप दे सकते हैं, बारिश का पानी अंदर ना आए, ठीक है? इसके लिए तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और लाइट हमेशा नेसेसरी आप लाइट लगा के रखें, भले आप लाइट जलाएं ना, कम जलाएं, लेकिन लाइट हमेशा लगा के रखें ताकि जो फेस्टिवल आए या फिर कुछ भी आए तो उसमें आप उसका यूज कर सकें। नीचे जो है विंडो है वो बॉक्स टाइप का विंडो है, उसमें स्लाइडिंग है, और नीचे में जो पार्किंग कार पार्किंग के बगल में जो है वरंडा वो आपका ओपन रहेगा, वहाँ पर बैठ सकते हैं आप। ये जो वरेंडा का साइज़ है वो हमने 8 फीट चौड़ा रखा है और पीछे जो है वो 13 फीट लंबा रखा है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस है बैठने के लिए, अगर गेस्ट वगैरह आते हैं तो आराम से आपका इजीली स्पेस है वहाँ पे अच्छा खासा। ऊपर भी इसी तरह से आपका स्पेस है जस्ट उसके ऊपर, ठीक है? तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी अगर वीडियो आप मेरा देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में या चैनल पर जा करके आप मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं एक एक करके, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ और बहुत सारे डिज़ाइन के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने घर के लिए।